मायावती क्या को गलत थी, ठीक थी, गन्ने के रेट बहुत बढ़ाए, उसने भी 80 रुपए बढ़ाए थे 2 साल में, उसे तो लोग ठीक कहे मायावती को भी। हमने तो ये कहा कि जय राम जय भीम का देश में नारा लगना चाहिए, क्यों भाई दलित इस देश का हिस्सा नहीं है? नहीं, हिस्सा है सर, उनसे आप मिलने उनके घर नहीं, नहीं क्यों नहीं जाएंगे, मिलेंगे सबसे, मिलेंगे, सरकार का इलाज करेंगे, हाँ सरकार का इलाज गाँव में होगा और किसान का इलाज पार्लियामेंट में होगा। किसान की जो दवाई है, बड़ा हॉस्पिटल पार्लियामेंट है, तो किसान की दवाई तो मिलेगी पार्लियामेंट में और सरकार को दवाई मिलेगी गाँव में। देखो क्या उल्टा सिस्टम आ गया, हम तो अपना आंदोलन चला रहे। कब तक चलेगा सर, अनुमान है आंदोलन? 3 साल का गांव के लोगों ने कि 3 साल चलाना पड़ेगा जून 2024 तक। भाई बंगाल से कुछ दवाई दी सरकार को, दिमाग को ये बुखार भारत सरकार को, और इलाज होगा 3 साल में, क्योंकि जो दिमाग गर्म रह जाते हैं, तो 3 साल का कोर्स बताया गांव के लोगों ने, कह रहे कि ठीक जरूर हो जाएंगे लेकिन लगेंगे 3 साल। कुछ बंगाल से इलाज मिला, कुछ उत्तर प्रदेश से मिलेगा, कुछ उधर से मिलेगा, पहाड़ से मिलेगा, कुछ ठंडी गर्म दवाई भी देनी पड़े इन्हें। सर 26 को कितने ट्रैक्टर आएंगे सर यहाँ गाजीपुर बॉर्डर? ये 2 जिलों के लोग आएंगे इसमें, सहारनपुर और मुजफ्फरनगर के लोग आएंगे। दिल्ली में तो घुस नहीं पाएंगे? दिल्ली तो है या यहाँ से परली तरफ, दिल्ली तो है। हाँ 26 तारीख उसमें प्रवेश करेंगे हम, 8वें महीने प्रवेश करेंगे, पूरे ढोल डवार नगाड़ों के साथ वो प्रवेश करेंगे, 7 महीने पूरे हो जाएंगे और 8वें महीने में किसान आंदोलन प्रवेश करेगा और ट्रैक्टरों के साथ में स्वागत के साथ में प्रवेश करा जाएगा। सारे ही उठा लिए भाई, 500 इनके कैंडिडेट जीतते 642 और अध्यक्ष इनके ज़्यादा पड़ेंगे। वो कौन सा गणित का सवाल है भाई, हमको भी बता दो। भाई 500 कैंडिडेट में जिसे गाजियाबाद में, दो कैंडिडेट, हाँ गाजियाबाद में इनके जीतते 2 और अध्यक्ष बनेगा इनका, तो सारे जो दरोगा है पुलिस फोर्स सब डंडा लेके और बंदूक लेकर घर पर कह रहे कि नक्शा बनवा रहा, क्या के जिला पंचायत के जो मेंबर है घर टूटेगा या तो वोट दे दो। अरे डरा जा रहा, डराया कर, अगर डरा दे तो कोई बात नहीं, जबरदस्ती। कबीरदास जी तो एक देश के जो जनता थी उसके विचारक थे, ठीक है, वे दोहों के माध्यम से अपनी बात कहते थे और समाज को ज्ञान देते थे, और आज भी उनकी बहुत जो बातें हैं वे समाज उस पे चलता है, इसीलिए याद करा जाता है। उन्होंने कभी किसी धर्म का वो नहीं करा, किसी जाति का वो नहीं, सर्व समाज उनको मानता था। और जो वहाँ पे मगर मेन का वो है, तो वहाँ पे मंदिर और मस्जिद दोनों इकट्ठा ही बना हुआ है। सर कहा जा रहा राजभवनों का भी घेराव किया जाएगा, राजभवन पे जाएंगे तो प्रोटेस्ट होगा या फिर ज्ञापन दिया जाएगा? दोनों ही चीज होगी, प्रोटेस्ट भी तो जब भी होगा, जब जाएंगे जब भी ज्ञापन देंगे, ज्ञापन भी देते हैं। हाँ ज्ञापन देंगे वहाँ पर, ज्ञापन देंगे और बहुत जगह गवर्नर साहब से मिलेंगे, अपनी बात उनको कहेंगे, ये है कि वो लिखित में भी देंगे कि वो राष्ट्रपति के पास तक हमारे वो ज्ञापन पहुंचे। मान हमारे में था कहाँ, मान तो आज से 1990 में अलग चल रहा, मान की तो विचारधारा प्रो कंपनी है, तो कंपनी की बात करते हैं भी तो कहा जा रहा कि वो अब सरकार के साथ हैं। अरे सरकार के जब वो था ही नहीं, कभी उन्होंने ऐलान भी कराया कि हम करवाओ सीएम की रैली करवाओ, भाई रैली तो करवा गए, यहाँ पे ही तो रहते हैं ना उस तरह के लोग भी, तो वो तो 30 साल से उसकी जो विचारधारा अलग ही है। हमारे साथ कभी नहीं रहा मान, भूपेंद्र सिंह मान कभी साथ नहीं रहा, ना इस मोर्चे का वो हिस्सा है, ना कभी वो संगठन में रहा। अभी 4 दिन पहले आप केपी चौधरी से मिले हैं? हाँ मिले, और से भी मिले हमको, उनका संगठन बहुत मजबूत है, सारे जितने भी अधिकारी हैं कर्मचारी हैं जो नौकरी पेशे वाले हैं वे सारे मजबूत अपना संगठन चलाते हैं वे। हाँ रतनलाल जी के घर भी आप लोग गए थे? रतनलाल, प्रोफेसर रतनलाल दिल्ली विश्वविद्यालय, हाँ वहाँ पे भी गए थे वे। पर ये दोनों आदमी लगता है कि कहीं ना कहीं मायावती की तरफ इनका झुकाव है, और किसी की तरफ रहना चाहिए झुकाव, तो भाई किसी ना किसी की तरफ रहना चाहिए। हाँ
गांधी जयंती पे इन्होंने यहाँ हमारे पे 2018 में लाठीचार्ज करा था, आंसू गैस के गोले छूट रहे थे, तो उसको 2018 में तो उसको याद करेंगे। और सरकार ने गन्ने का रेट नहीं बढ़ाया, सरकार को गन्ने का रेट बढ़ाना चाहिए, अक्टूबर तक का उसके पास में टाइम है, नहीं तो मूवमेंट झेलेगी उत्तर प्रदेश सरकार में। सर 7 महीने बाद चुनाव है, क्या तैयारी की? तैयारी पूरी कर रखी भाई। सर खबरें आ रही हैं कि जो गेहूं की खरीदी वो रोक दी गई है सरकार। हाँ रोक दी, नहीं खरीद कर रहे। सर योगी जी फिर मोदी जी क्यों कहते हैं MSP मिल रही है खरीदार? झूठ के हैं भाई, झूठ तो बताओ, जब इसमें झूठ ही सिखाया जाए इनको तो बताओ क्या करें। सर आपने टीवी डिबेट में एक ऐसी बात बोली थी, काफी मुखालफत हो रही है सर आपकी उस क्या को लेकर। क्या कहा मैंने? टिकैत जी ऐसा बोल देते हैं, थोड़ा सा क्या क्या कहा? समित पात्रा को आपने बेहुदा कह दिया था। तो समित पात्रा की तो सरकार ही नहीं है भाई यहाँ पे देश में। और जब उनकी जब हमको पार्टी से कभी बात करनी होगी तो उनसे बात कर लेंगे, वो बुलाया किसने था। उनकी जब सरकार ही नहीं है तो वे कहीं के लिए आते हैं? कभी गुस्सा तो आता नहीं आपको, पर टीवी चैनलों में दिखाई दे जाता है आपका। मैं ये कह रहा कि वो कहीं के लिए आते हैं जब उनकी सरकार नहीं है, जब कभी उनसे बात करनी होगी तो उनसे बात कर लेंगे। तो उनकी पार्टी से क्या मतलब है, वे क्यों? वो हमें तो सरकार के प्रवक्ता से बात कर रही थी। समित पात्रा किस चीज़ का प्रवक्ता है? वो पार्टी का, और पार्टी की सरकार उनकी है नहीं, सरकार है मोदी सरकार। सर ट्विटर पर ट्रेंड कर रही है आज बड़ी खबर है कि मोदी की लंका और किसानों का डंडा। अब पता नहीं भाई क्या है मोदी की लंका, तो मोदी की लंका का मतलब तो जुड़ेगी भाई, लंका का मतलब तो जुड़ेगी। कल खबर ट्रेंड कर रही थी कि किसान शहर आया, किसान आया, तो खबरें सर काफी ट्रेंडिंग में है किसानों की, क्या लग रहा है कुछ सफलता ज्यादा मिल रही है क्या किसानों को? सफलता तो नहीं मिल रही, सरकार नहीं मान रही अभी, जनता तो मान रही। हाँ जाएंगे भाई सब जगह, क्योंकि दवाइयाँ ढूंढने का देनी पड़ेगी इनको, जाएंगे। किस प्रकार की दवा देने की बात है? और दवाई तो भाई जिस चीज से आराम मिलता हो किसी को वही दवाई देनी चाहिए। टोलों पर तो आंदोलन चल रहे सब जगह। नहीं टोल यूपी के टोल फ्री, जैसे हरियाणा में फ्री। नहीं हमारा फ्री का नहीं है, हमारा ये है कि जो किसान आंदोलन है जो उस पर जो लोग चल रहे हैं, किसानी झंडा या स्टिकर है वो सब फ्री है यहाँ, वो तो फ्री रहते ही हैं किसान। हाँ सब चलते हैं। सर योगी सरकार नया कानून लेकर के आ रही है, जनसंख्या नियंत्रण कानून। हाँ ठीक है, ठीक है कानून तो अगर ये लेकर आ जाए चुनाव से पहले सर इस प्रकार का। हाँ नहीं ठीक है ले अब, क्या दिक्कत? टीवीओ ने तो अपना काम शुरू कर देना हिंदू मुस्लिम जैसे। हाँ वो तो करें ही करें भाई, उनका काम है वो काम करने का। सरकार ने तो किसानों के लिए भी किसानों के हित में कानून लाया था, आप लोग उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे? वो कानून किसानों के हित में नहीं, वो किसानों के खिलाफ है। कृषि मंत्री बोलते हैं साफ सुथरा कानून है। अच्छा गेहूँ बिक्री रही आधे रेट में बिक रहे, साफ सुथरा कैसे हो जाएगा? हमारा ये है कि बाजार खरीदे या सरकार खरीदे, जो भारत सरकार ने रेट निर्धारित करा उससे कम पना खरीदे। यूपी के CM कहते हैं 4 साल बेमिसाल, कैसे देखते हैं उनके कार्यकाल पर? रेट तो बढ़ा नहीं, वहाँ ना गन्ने का रेट बढ़ा, आलू के किसान ने बहुत आत्महत्या करी और फसलें भी नहीं बिकती, तो ये तो कैसे बेमिसाल हो जाएगा? बेमिसाल तो ये है कि एक रेट नहीं बढ़ाया भाई, 5वें साल है रेट बढ़ा दो, ठीक है कम से कम 80 रुपया तो बढ़ाना चाहिए। सर क्या अखिलेश यादव से कमजोर हैं क्या योगी जी, या मायावती से भी कमजोर है? उन दोनों ने रेट बढ़ाए, इन्होंने बढ़ाए भी, उनसे कमजोर तो नहीं होने चाहिए योगी जी, तो उनसे कम उम्र है दोनों से।